सभी मेरे आठवीं कक्षा के विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को हिंदी विषय के दूसरी पाठ को लेकर आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो बच्चों, आप सबको पहले इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा जो पढ़ाने की क्रिया में आपको मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले अवधि में मैंने आपको प्रार्थना कविता के बारे में सविवरण से पढ़ाया था। विश्वास करता हूँ कि आप उस प्रार्थना कविता को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, समझे होंगे और आप प्रार्थना कविता के नोट्स भी लिख रहे होंगे। तो आज मैं हिंदी विषय के दूसरे पाठ मिर्च मसाला के बारे में चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप मोबाइल के आपके जो मोबाइल के स्क्रीन में यानी मोबाइल के पर्दे में पाठ दो मिर्च मसाला का चित्र आप लोग देख रहे हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ये अर्थ ग्रहण करना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि ये मिर्च मसाला किसे कहते हैं। ये मिर्च मसाला फाड़कर शीर्षक एक अजीब सा है, एक अजीब सा लगेगा, हर कोई बच्चों के दिलो दिमागों में एक प्रश्न उद्भव होगा कि ये मिर्च मसाला ही क्यों रखा गया है, ये मिर्च मसाला का अर्थ क्या होगा और ये मिर्च मसाला से बच्चे क्या समझ लेते हैं। तो आपके मोबाइल के पर्दे पर, मोबाइल के स्क्रीन पर तीन प्रकार के चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों, गौर करो, ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ पर मिर्च मसाला का अर्थ और मिर्च मसाले से आपको क्या संदेश मिलती है इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी चर्चा कर रहा हूँ। तो बच्चों, याद रखो, मिर्च मसाला घर में जब खाना पकाते हैं, खाने के लिए खाना पकाते हैं, तो वो खाना स्वादिष्ट बनने के लिए कई प्रकार के मसालों का मिश्रण करने के बाद ही जो ये खाना स्वादिष्ट बनता है। शायद आपको मैं बता रहा हूँ कि जो खाने के बारे में बता रहा हूँ, और नीचे गौर करो कि दो औरतें एक बात कह रही है तो दूसरी औरत उस बात को सुन रही है। यह तात्पर्य क्या है, किस प्रकार से खाना स्वादिष्ट होने के लिए किस प्रकार से मसालों का उसमें मिश्रण करने के बाद जब खाना स्वादिष्ट होता है, उसी तरह से किसी व्यक्ति के कौन से भी एक छोटी सी बात किसी व्यक्ति को मालूम पड़ने के बाद उस व्यक्ति की मजाक उड़ाने के लिए, उसके हाल बेहाल करने के लिए, छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए, भले बुरे अच्छे सभी बातों को मिश्रण करके उस छोटे सी बात को क्या करते हैं, बड़े करने वाले इस दुनिया में, इस जगत में, इस समाज में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब अपना हो या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का हो,
किसी तरह के राज के बात हो। कुछ राज के बातें होते हैं, रहस्य से भरे हुए कुछ बातें होते हैं, आप चाहे कितने भी आपके दिल के करीब क्यों ना हो, आप कभी भी उनके सामने आपकी राज को बात, आपके राज से भरे हुए बात या रहस्य से भरे हुए बात कहने से पहले आपको क्या करना है, 10 बार या 100 बार या 1000 बार हमें सोचना है। मैं विश्वास करूंगा कि शायद मिर्च मसाला फाट का संदेश आपको समझ में आ रहा है। यानी बताने का तात्पर्य क्या है, एक व्यक्ति, सही है, मनुष्य जो है अपने विचारों को, स्वाभाविक है मनुष्य अपने विचारों को क्या करता है, दूसरों के सामने व्यक्त करने की यानी प्रकट करने की इच्छा रखता है, स्वाभाविक है। उनके दिल में क्या रहता है कि अगर हमारे कुछ बातें दूसरों के सामने अगर हम बता दें तो हमारा मन को थोड़ा हल्का सा महसूस होगा, ये इरादे से कुछ लोग क्या करते हैं, अपने या अपनों के कुछ राज से भरे हुए बातें, रहस्य से भरे हुए बातें दूसरों के सामने बताने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता है कि समाज में रहने वाले लोग उस व्यक्ति का कमजोरीपन या उस व्यक्ति के राज की बातें या रहस्य बातें जानकर उसे अपने हाथों में नचाते हैं। इसलिए अपने राज से भरी बातें किसी के सामने बताने से पहले हमें क्या करना है, 1000 बार सोचनी है, नहीं तो आपका हाल बेहाल हो जाएगा, आपको समाज में मजाक, आप समाज में आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बच्चों याद करो कि मिर्च मसाला फाट से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन उसे याद रहे कि अपने राज या अपने रहस्य के भरे बातें दूसरों के सामने कहने से पहले लाख बार सोचे या 1000 बार सोचे। यह मैंने अब तक आपको मिर्च मसाला फाट से आए हुए कुछ संदेश के बारे में अभी तक मैंने अपना संदेश पढ़ाया। तो बच्चों इस फाट के दौरान मैं विश्वास करूंगा कि शायद आपको फाट आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, मिर्च मसाला नामक फाट का शीर्षक है और उसमें कुछ चित्र हैं, उस चित्र के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में आपको मालूम पड़ रहा होगा। मैं आगे बढ़ूंगा कि इस पाठ में आए कुछ शब्दार्थ के और। तो बच्चों शब्दार्थ को देखें तो पहला वन कसम, आपका मालूम है आप हमेशा कसम खाते हैं, सौगंध लेते हैं या शपथ लेते हैं, सही है। बात को पचाना यानी किसी बात को अपने भीतर छिपा लेना, बात को पचाना यानी किसी बात को अपने भीतर छिपा लेना। पेट फूलना यानी किसी भी बात को कहने के लिए उत्सुकता जताना। कुछ रहस्य बातें होते हैं आपके, किसी व्यक्ति के बारे में किसी तरह की कमजोरी आपको मालूम पड़ा तो आपका मन आपको बार बार उत्सुकता देता रहता है कि जा किसी के सामने बता दे बात को बता दे। पेट फूलना उसे क्या बोलते हैं, पेट फूलना। राज आपको पता है, रहस्य। पेट फड़ जाना यानी पेट में बहुत ही पीड़ा होना, पेट फटना यानी पेट नहीं फटता, बहुत खाने के बाद पेट फटता नहीं, पेट नहीं फट जाता बल्कि पेट में क्या होता है, दुख होना। बात उगलना रहस्य बातों को प्रकट करना, सही है। दूसरों के रहस्य बातें या राज की बातें क्या करना है, दूसरों के सामने बताना है। खबर यानी समाचार या अपना हाल। गोरैया यानी गोबच्चे, बच्चों ये जो शब्दार्थ मिर्च मसाला पाठ में आने वाले कुछ नए
शब्दार्थ है। तो बच्चों गौर करो कि अभी तक मैंने मिर्च मसाला और पाठ में मिर्च मसाला का संदेश और पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दार्थ के बारे में आपको बताया था। तो बच्चों आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पाठ में प्रमुख पात्रदारों का नाम आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहला वन भोलू, भोलू की प्यारी पत्नी हेरा और हेरा के सहेली चंपा और चंपा के सहेली चमेली, इन चारों को लेकर इस मिर्च मसाला कहानी का रचना की गई है। तो बच्चों इस कहानी में आने वाले प्रमुख पात्र जो है भोलू। यहाँ पर भोलू की पत्नी हेरा और हेरा की सहेली चंपा और चंपा की सहेली चमेली, इन तीनों ने मिलकर भोलू के एक छोटी सी बात को क्या करते हैं, बड़ा विषय बनाकर उसके हाल बेहाल कर देते हैं, उसकी परिस्थिति बिगाड़ देते हैं। इसी बात को लेकर मिर्च मसाला पाठ में चर्चा की गई है, यानी एक छोटी सी बात को किस तरह से समाज में रहने वाले कुछ लोग मसाला लगाकर, यानी छोटे बुरे अच्छे बातों को मिलाकर उस विषय को क्या करते हैं, बढ़ा करके समाज के चारों तरफ क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जो खबर जो समाचार सभी चारों ओर फैलकर उनका हाल भोलू का हाल बेहाल कर देते हैं। तो बच्चों आपको संक्षिप्त मैंने आपको समरी बताया, अभी मैं आगे बढ़ूंगा कि इस पहले पैराग्राफ की तरफ। अभी तक मैंने मिर्च मसाला का शीर्षक और मिर्च मसाला का पाठ से आए हुए संदेश के बारे में और थोड़ा संक्षिप्त में आपको इस कहानी में आने वाले कुछ प्रमुख पात्रदारों के बारे में बताया। तो आपको स्क्रीन पर मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पाठ की शुरुआत। तो ऐसे एक दिन आप भी किस तरह से अपने घर के आंगन में बैठकर चाय या कॉफी का आनंद का अनुभव लेते हैं, उसी तरह से भोलू नामक एक व्यक्ति अपने घर के आंगन में शाम के समय बहुत ही आनंद के साथ दूध पी रहा था। अचानक खांसी आ गई। खांसी जो है आपको बोल के नहीं आती, मैं आने वाली हूँ, तुम इंतज़ार करो, नहीं। अचानक खांसी आ गई और जो हाथ में पकड़े हुए दूध का लोटा लुढ़क गया, यानी हिल गया। खांसी आते जो बोलो उस दूध को पी रहा था, तभी उसी वक्त उसे खांसी आ गई। खांसी आते ही जो हाथ में पकड़े हुए दूध का लोटा या दूध का गिलास लुढ़क गया, थोड़ा सा दूध, ठीक है, हाथ में पकड़े हुए दूध का लोटा खांसी आने के पश्चात हिलता है, हिलकर उस गिलास में रहने वाले जो दूध या लोटे में रहने वाले जो दूध थोड़ा सा
पीते वक्त मुंह से भी दूध निकलकर जमीन पर फैल गया, जमीन पर फैल गया। बच्चों शायद आपको समझ में आ रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि जब बोलो अपने घर के आंगन में बैठे बैठे दूध पी रहा था, तब उसी समय थोड़ा सा दूध उसके मुंह में गए होते हैं, थोड़ा सा गिलास में होते हैं, तब खांसी आने के पश्चात जो मुंह में रहने वाले दूध तथा गिलास में रहने वाला जो दूध हिल कर क्या हो जाता है, जमीन पर फैल जाते हैं। तो आपके मोबाइल पर्दे पर चित्र के साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है गिलास में दूध पी रहा है, तब उसी समय खांसी आने के बाद थोड़ा सा दूध जो है जमीन पर गिरे हुए दृश्य आप देख रहे हैं। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है। तो आपको मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि ये मिर्च मसाला पाठ लोक कथा पर आधारित पाठ है, लोक कथा पर आधारित पाठ है। तो बच्चों लोक कथा का अर्थ होता है कि जो घर में जो भी बुजुर्ग हैं, स्वभावतः जो रूढ़िगत परंपरागत कुछ बातें कहते आते हैं, जैसे कि कई कैसर आदरे वाय मसरो, ऐसे कुछ कहावते हैं, ऐसे रूढ़िगत बातें हैं, सही है, विद्य गिनता ऐसे कुछ कानड़ा के कुछ हिसाब से, उप्पी गिनता रुचिला ताय गिनता बंधुला, ऐसे कुछ रूढ़िगत जो हैं जो लोक कथा में जो शरीर सबको मालूम है, ऐसे ऐसे कुछ बातें जो है इस दौरान लोक कथा के दौरान आते हैं। इसलिए इस कहानी का ये सिर्फ कहानी है, सही में जो बता रहा हूँ ये पाठ सिर्फ कहानी है, ये सच घटना नहीं है, सही है। क्योंकि मैं क्यों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भोलो दूध पी रहा था, तब उसके मुंह से दूध जमीन पर फैल जाती है, जमीन पर फैलने के बाद उस दूध में भोलू ने कुछ पंखे देखते हैं। आगे के पैराग्राफ की तरफ मैं आपको ले चलूँगा। यहाँ पर आगे की पैराग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्र आ रहा है, उस चित्र में देख रहे हैं कि भोलू बैठा हुआ है, उसे खांसी आई हुई है, मुंह से थोड़ा सा दूध नीचे गिरा हुआ है और उस फैले हुए दूध में कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आगे देखें तो यहाँ पर भोलू उस खांसी आने के बाद फैले दूध में उसे पंख दिखाई दे, जैसे कि मैंने बताया चित्र के समय आपके सामने रखा, उस फैले हुए दूध में कुछ पंख दिखाई दिए। तो पंख देखते ही बोलो घबरा गया, ये कैसा हो सकता है, क्योंकि दूध पी रहा था, खांसी आ गई तो हाथ में पकड़े हुए थोड़ा सा दूध खांसी आने के बाद जमीन पर फैल गई, लेकिन फैले हुए जमीन में दूध में कुछ पंख दिखाई दिए। पंख अंदर मनाई करता पंख अला घाड़ी अला फैन अला पंख यानी पक्षियों के जो पंख होते हैं, रख के बंद करे तरला, रख के पुक्का बंद करे तरला, वह घबरा गया। तब भोलू को तुरंत शादी के पहले जो भी घबराते हैं तो तुरंत अपने माँ को आवाज़ देते हैं, स्वाभाविक है। शादी के बाद कुछ ऐसा घटने के बाद तुरंत याद आती है पत्नी। तब भोलू ने अपने प्यारी सी पत्नी हीरा को बुलाया,
हेरा को बुलाया, हेरा जो है भोलू की पत्नी थी। तब हेरा को बुलाने के बाद भोलू ने बताया, देखो मुझे तुमसे कुछ कहनी है, मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे सामने मैं कुछ कहना चाहूँगा, परंतु तुम किसी से नहीं कहोगी तो ही मैं तुम्हें बताऊँगा। बताता है कौन? भोलू। क्या करके? फैले हुए दूध में पंख देखने के बाद भोलू घबरा जाता है। घबराए हुए भोलू तुरंत अपने पत्नी हेरा को बुलाता है। बुलाते ही कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगा, अगर तुम उस बात को किसी से नहीं कहोगी तो ही मैं तुम्हें वो बात बताऊँगा। इस तरह से भोलू जो है अपनी पत्नी हेरा को इस बात को बताता है। तो बच्चों मैं विश्वास करूंगा कि आपको यहाँ तक यानी मिर्च मसाला का अर्थ, मिर्च मसाला का संदेश व एक पैराग्राफ के बारे में आपको मैंने बता दी। सही है, ये पहली अवधि के लिए आज का इतना मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दूसरा पैराग्राफ आपके दूसरी अवधि में देखेंगे।